प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान मित्रों, जब जब भी बारिश होती है और बारिश का जो पूर्वानुमान है, हमारे नवयुवक पूर्वानुमान लगाने वाले देवीलाल जी पाटीदार साहब हमारे साथ में रहते हैं, तो प्याज की खेती करने वाले सभी किसानों को यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कब बारिश हो रही है, कब आपको दवाइयाँ डालना है, और कब बारिश निकल रही है तो कब आपको और कौन सी दवाइयां डालना है। बने रहें मेरे साथ, मैं हूं आपका कृषक मित्र प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर, और जानें देवीलाल जी के साथ में मौसम का पूर्वानुमान, जो अभी 29 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में वह हमें पूर्वानुमान दिखा रहे हैं। तो देखें देवीलाल जी को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल। जय श्री राम, जय श्री महाकाल मित्रों, मैं हूं देवीलाल पाटीदार और आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान देवीलाल पाटीदार छोटा चिरोला। दिनांक है आज 29 दिसंबर 2023 और समय है लगभग दोपहर के 3 बज रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि आने वाले दिनों में गर्मी दिन के जो तापमान है काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके अनुरूप कई जगहों पर तापमान जो है इस सीजन के हिसाब से लगभग बहुत ज़्यादा है, और आने वाले दिनों में भी अब रात के तापमान भी जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ेंगे, लगभग 17-18 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। और कई किसान मित्रों के मन में जो है बारिश को लेकर कुछ शंकाएं बनी हुई है, क्या 31 या नए वर्ष की शुरुआत में 1-2-3 जनवरी में क्या बारिश होगी। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो कोई बारिश की संभावना भी है नहीं। बारिश की संभावनाएं कुछ जिलों में है, वो भी 2 या 3 जनवरी के आसपास हल्की फुल्की। तो चलिए जानते हैं किस तरह का रहेगा मौसम इस बार एक मैप के हिसाब से। इस बार मैंने आपके लिए जो है मैप के लिए जो है मैप सुविधा जो है बनाई है, ताकि इसमें जो समझने में जो है आसानी रहेगी अपने। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देख सकते हैं आप, इसमें मध्य प्रदेश का मैप है ये, और यूँ समझ लीजिए कि आज दिनांक हो गई 29, कल है 30, 30 और 31 दिसंबर, इन दो दिनों में कहीं भी जो है बारिश की संभावना नहीं है। ये देख सकते हैं आप, कहीं से कहीं तक कोई बारिश की संभावना नहीं है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं 1 जनवरी नए वर्ष में, तो 1 जनवरी का कैसा रहेगा मौसम, चलिए देखते हैं। 1 जनवरी को क्या होगा कि कुछ बादल बनना शुरू होंगे यहाँ से, ये देख सकते हैं आप, ये टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, कटनी में कुछ बादल दिखेंगे, और हो सकता है इस दौरान हल्की फुल्की बारिश हो। भारी बारिश की 1 जनवरी को भी कोई संभावना नहीं है। बाकी मंदसौर, नीमच, उज्जैन, खंडवा, हरदा, कहीं से कहीं तक जो है कोई भी बारिश की संभावना नहीं है। इसके बाद में चलते हैं हम 2 जनवरी, 2 जनवरी को जो है थोड़े से बादल और बढ़ जाएंगे, और जो है इन भागों में बारिश की संभावना है। छतरपुर, पन्ना, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रीवा, जो भी है इस जिलों में जो है बारिश की संभावना हल्की फुल्की है, भारी बारिश की संभावना नहीं है। बाकी जो है ये क्षेत्र मंदसौर, नीमच जो भी है, सारे जो है सूखे रहेंगे, बारिश की संभावना नहीं है। इसके बाद में हम चलते हैं 3 जनवरी, 3 जनवरी को देखिए, ये कुछ कुछ बादल रहेंगे इस बेल्ट में, ये आप देख पा रहे हैं, और हल्की फुल्की बारिश कभी हो जाए तो, बाकी कोई खास भारी बारिश की संभावना कहीं से कहीं तक इधर नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा ये जो है सूखा रहेगा। उसके बाद में है 4 जनवरी, 4 जनवरी, ये 4 जनवरी, 4 जनवरी को जो है कुछ कुछ बादल रहेंगे यहाँ पे, दमोह, कटनी, पन्ना, इन जिलों में जो है कुछ बादल रहेंगे, बाकी जो है ये जो है सारे इलाके जो है सूखे रहेंगे, कोई बारिश की संभावना नहीं है। यानी कि बादल
जो है 2-3 जनवरी से भी इस बेल्ट में भी कम हो जाएंगे, कुछ कुछ बादल दिखेंगे। उसके बाद में चलते हैं हम 5 जनवरी। 5 जनवरी को जो है बिल्कुल 1-2 जिले रहेंगे, जैसे कि कटनी है, उमरिया है, शहडोल है, सीधी सिंगरौली है, रीवा है, यहाँ पर कुछ बादल रहेंगे। बाकी जो है पूरा ये एरिया जो है सूखा रहेगा, कोई बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन क्या है कि रात का तापमान इन क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ जाएगा, दिन का तो ही सही अभी 28-29। और खरगोन जिले में तो लगभग दिन के तापमान इस समय यानी कि 5 जनवरी तक लगभग 30 के ऊपर चले जाएंगे, 30 प्लस हो जाएंगे, और रात में 17-18-20 तक भी जाए। इसके बाद में चलते हैं हम 6 जनवरी को ये कुछ बादल रहेंगे 1-2 जिले में यहाँ पे, बाकी कोई भारी बारिश की संभावना नहीं है, ये देख सकते हैं आप। बाकी जो है मंदसौर नीमच से लेके धार, खरगोन, बुरहानपुर, ये सारे जो है ड्राई रहेंगे। हो सकता है इस दौरान कुछ बादल रहे लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। उसके बाद में चलते हैं हम 7 जनवरी। 7 जनवरी का जो है ये 7 जनवरी को देख सकते हैं आप, इस बेल्ट में जो है बादल बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ इन जिलों में तो पहले से बादल थे ही सही, और इधर जो बादल बनने के कारण क्या होगा कि महाराष्ट्र मतलब अरब सागर में एक सिस्टम सक्रिय होगा मेरे हिसाब से, तो वहाँ से बादल जो है आना शुरू हो जाएंगे यहाँ। तो इस पूरे बेल्ट में हल्के पुल्के बादल, ये दिख रहे हैं आपको, ये बादल बनेंगे इस पूरे बेल्ट में, और हो सकता है कहीं कहीं हल्की बारिश हो, भारी बारिश की 7 जनवरी को भी संभावना नहीं है, लेकिन बादल बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में चलते हैं हम 8 जनवरी 2024, यानी कि 8 जनवरी ये देख सकते हैं आप, 8 जनवरी में क्या है, देखिए वर्तमान स्थिति में तो अभी शाम तक यानी कि अभी तक कोई भी वेदर ऐप या कोई भी मौसम एजेंसी ये दावा नहीं कर रही है कि भैया मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में कोई बारिश होगी इस तरह। लेकिन मेरे हिसाब से क्या होगा कि एक सिस्टम सक्रिय होगा तो महाराष्ट्र में जोरदार बारिश शुरू हो जाएगी लगभग 6 जनवरी के आसपास, पूरे महाराष्ट्र को कवर करेगा। उसके बाद में ये देख रहे हैं आप लाइन, ये पहले से बना रखी है मैंने, ये देखिए, ये कुछ 1-2 जिले हैं, बालघाट, सिवरी वगैरह है, तो इनको छोड़कर जो है बाकी पूरे एरिया में मेरा ये अनुमान है कि बारिश से अति भारी बारिश की संभावना है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप बहुत तेज बारिश मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, देवास जो भी है ये जिले। ये देख सकते हैं आप ये सभी और जो है भारी बारिश की संभावना रहेगी। देखिए ये अभी ना ही तो कोई वेदर ऐप बता रहा है ना ही कोई मौसम एजेंसी, लेकिन शाम तक या आज शाम तक या फिर कल तक अपडेट होने की पूरी संभावना है। अगर जो ये नहीं होते हैं अपडेट तो आप इस ओर ध्यान मत दीजिएगा कि ये बारिश होगी यानी कि ये नहीं होगी, लेकिन मेरा अनुमान है कि जरूर परिवर्तन होगा और 8 जनवरी, 8 हो सकता है 9 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, यानी कि 8 जनवरी से 12 जनवरी तक जो है पूरी एमपी में यानी कि 1-2 जिलों को छोड़कर लगभग बहुत जोरदार बारिश होने की संभावना दिख रही है अभी वर्तमान स्थिति में। अगर जो 2 दिन में कोई भी वेदर अब चेंज नहीं होता तो यूँ समझ लीजिए कि 8 जनवरी, हालांकि हम आपको समय समय पे जो है अपडेट देते रहेंगे और कुछ इस तरह की संभावनाएं हम आपको अगले वीडियो में 5 जनवरी के आसपास में एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जो है 8 जनवरी से 15 जनवरी का जो मौसम है वो बताएंगे। लेकिन अभी स्थिति अभी कुछ ऐसी ही है, उम्मीद है कि शाम तक या फिर कल शाम तक वेदर बदलेंगे और भारी से भारी बारिश जो है होने की संभावना है, क्योंकि और महाराष्ट्र में भी पूरा महाराष्ट्र और लगभग पूरा एमपी ये 2-4 जिले 8 जिले जो है छूट सकते हैं, बाकी जो है अगर जो होगी तो पूरे एमपी में होगी, यानी कि 8 जनवरी से पहले जो है एमपी में ये 1-2 जिले है इधर जो है बारिश की संभावना रहेगी, बाकी जो है कोई भी संभावना नहीं है अभी, ये बाकी जो है ड्राई वेदर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर जो कोई जानकारी होगी तो मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा
यानी कि ऑल इन ओवर देखा जाए तो कल 30 है, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन तारीख में जो है कोई भी बारिश की संभावना मंदसौर, नीमच या इन जिलों में नहीं है, जैसा कि हमने बताया आपको, इसको देख ले, समझ ले, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री